फुटबॉलर कौन है अभ्युदय। वाह व्हाट अ नाइस जर्सी, शो शो योर नंबर। वाह इट्स 10 नंबर जर्सी। ओके नाउ पुट ऑन योर जैकेट। नहीं मछली, दही मछली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ रात का टाइम हो गया है, अभ्युदय फुटबॉल क्लास से लौट चुका है और मैं जा रही हूँ बनाने आलू बैगन की सब्जी। बज गए हैं शाम के कुछ मेरे ख्याल से 7:30, तो हल्का हल्का सा अंधेरा हो गया है और बस हस्बैंड अभी गए हुए हैं किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए। जब वो आ जाएंगे तो एक सरप्राइज़ टाइप का है, फिर मैं आपको बताऊंगी। तो बने रहिए चैनल में, जब वो आ जाएंगे तभी सरप्राइज़ मिलेगा, कुछ न्यू है जो हम करने जा रहे हैं। और फिर अभी तो भी पूछ रहा है क्या है क्या है, तो उसे भी नहीं पता है अभी। तो फिर बने रहिए मेरे साथ, कुछ न्यू होगा, कुछ इंटरेस्टिंग होगा। और अभी फटाफट से पहले खाना बना लेते हैं। तो सब्जी पक रही है अभी और हम दोनों बैठे हुए हैं। अभी देखो बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। और बेबी का आज किसी ने कार्ड छुड़ा लिया। कौन सा कार्ड छुड़ा लिया तुमसे? छोटे बच्चों के साथ ये बुरा हो ही जाता है। बेबी का किसी ने कार्ड छुड़ा लिया है, छुड़ा लिया है, छुड़ा ही लिया है। इसलिए छुड़ा लिया है क्योंकि उसने अपने मन से नहीं दिया। अगर उसने अपने मन से दिया होता तो उसे छुड़ाया हुआ नहीं कहते, मीन्स ये ज़बरदस्ती हुआ है उसके साथ। तो कुछ बड़े बच्चे थे, उनके पास ये कार्ड नहीं थे, फीफा वाले कार्ड्स आई गेस, मेरे व्यूअर्स नहीं जानते होंगे, लेकिन ये फीफा वाले कार्ड्स एक पैकेट 80 सेंट का आता है। और बेबी ने और 2 पैकेट खरीदे और अभी तक वो चाहिए होते हैं हफ्ते में कम से कम 4-5 पैकेट। तो ये रिपीटेड कार्ड्स हैं, रिपीटेड है ना, क्योंकि हर पैकेट में कई बार वही सेम कार्ड निकल आते हैं। तो आज अभी तक के ना जो कार्ड उसके पास नहीं थे ना, जो रिपीटेड नहीं थे, वो किसी ने ले लिया था छीना झपटी में। छीना झपटी में कि क्या हुआ था? छीन लिया था। उल्लू मिलो बच्चों, बिल्कुल कह नहीं पाया था क्या? तुम सीधे हो क्या? झूठे, तुम सीधे तो बिल्कुल नहीं है। यूराई मैंने भी एक बार मुझे मैंने एक्सचेंज किया था यूराई ने, और फिर जो चीज़ मैंने एक्सचेंज किया था वो मुझसे ले ली और फिर मुझे दिखाया, फिर बोला तो नहीं 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 मैंने नहीं देने वाला, नहीं देने वाला। तो तुम दुखी हुए थे क्या, रोए थे क्या थोड़ा सा? एंग्री हुआ था बहुत, बहुत एंग्री हुए थे। और आज तो लेकिन तुम रोए थे थोड़ा सा। नहीं अच्छा नहीं, मेरा बच्चा बहुत स्ट्रांग बेबी है और वो रोता वोता नहीं है, बहुत समझदार बच्चा है ना बेबी। हाँ। तो अभी खाना बन जाएगा। और तुमको क्या चॉकलेट निकाली थी? हाँ। जो निकाल लो, चढ़ के निकाल लोगे तुम पक्का? ये देखिए चॉकलेट को पापा ने लगता है ऊपर चढ़ा दिया है, कहाँ है, ऐसे नहीं निकाल पाओगे। कहाँ चढ़ना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ के निकाल पाओगे? इज इट डिफिकल्ट फॉर यू अभी? और इज इट वॉज ईजी ना? यार देखते हैं, ये ना क्रिसमस से चला आ रहा है अभी तक, कि अभी भी कुछ चॉकलेट बची हैं। ये मिल गया अभी तक। कौन सा नंबर था बेबी? 22। तो ये क्या है, यमी है? यमी है कि नहीं है? अभी एक और, एक दो और बच्चे हैं क्या? है। कि सारे ख़त्म हो गए? कैसा ये वाला, टेस्टी है कि नहीं है? अभी तो ना बहुत देर से देख रहा था ना, ये हमने ये वाली चॉकलेट ना इसको किसी ने क्रिसमस में गिफ्ट की थी, तो ये पूरी ख़त्म नहीं हो पाई थी। तो हमने इसको ना यहाँ टॉप में किचन वाले एरिया में हमने उसको चढ़ा दिया था रैक में, और आज ये इसने देख ली ऊपर से, तो उसने कहा मम्मा मैं खा लूँ, तो मैंने कहा ठीक है। तो इसमें इस तरीके से ना बहुत सारे, मैं दिखाती हूँ, बहुत सारे डेज थे। तो क्रिसमस के टाइम में ना, क्रिसमस एडवेंट करके है ये, एडवेंट कैलेंडर करके है, तो इसमें 1st से लेके 25th तक की डेट है, मेरे ख्याल से 25th ही डेज हैं इसमें। हाँ,
और हर दिन का आप खोलते जाओ और आपको न्यू न्यू चॉकलेट्स के फ्लेवर मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारे ही ख़त्म हो गए हैं, शायद से एक एक या दो बचे होंगे, ऑलमोस्ट सारे ही ख़त्म हो गए हैं। तो बस वैसे तो ख़त्म इसको दिसंबर में ही करना था, बट क्योंकि इतने चॉकलेट्स कौन खाए, ऑलरेडी हमारे घर में कई बार चॉकलेट्स रहती ही हैं, तो फिर ये थोड़ा सा चला गया था। बट ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स थे। तो सब्जी तो बन गया है, अब धनिया की पत्ती डाल देते हैं थोड़ी सी, ताकि टेस्ट ही ज़्यादा लगे। धनिया की पत्ती से बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है सब्जी का। और आजकल यहाँ दोलच में ना धनिया की पत्ती और मिर्च मिल रही है, मतलब इस टाइम पे आराम से मिल जाती है। अगर आप मॉर्निंग में हर दिन चले जाओ तो आपको मिल जाएगी धनिया की पत्ती और मिर्च, और मिंट भी मिल जाता है, तो इतनी टेंशन नहीं रहती है। बस कुछ सब्जियाँ यहाँ पर नहीं मिलती हैं, जैसे कि आपको लौकी नहीं मिलेगी, तोरी नहीं मिलेगी, करेला नहीं मिलेगा, कुंदरू नहीं मिलेगा, परवल नहीं मिलेगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। लाल भाजी और ये जो कुछ चीज़ें हमारे यहाँ की टिपिकल है ना, वो चीज़ें यहाँ नहीं मिलती हैं। तो यहाँ आलू बैंगन की सब्जी और पराठा मैंने बना दिया, अब अभी तक को मैं खिलाती हूँ। और अभी तक ये रहे, आ जाओ जल्दी से, कुछ लगा लो अपने मन का। हड़की क्यों बैठे हो? छोटा सा 5 मिनट का वीडियो होना चाहिए वो। 5 मिनट और एक ही बार में तुमको वो चूज करना है, ये नहीं कि तुम एक वीडियो को थोड़ा सा देख लो फिर एक वीडियो को थोड़ा सा देख लो, अभी तक मैं चूज ही नहीं कर पाया हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हो गया है सारा काम, खाना बन गया है। अभिषेक अभी तक घर नहीं आए हैं, 8:30 बज गए हैं रात के, तो चलिए फिर थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और फ्राइडे का दिन है, ये -2 टेम्परेचर था मॉर्निंग में, ये सुबह 7:30 या 8 बजे का कुछ टाइम है। हाँ ये मेरे ख्याल से देखिए दिखा रहा है ना, ये 8 बजे हो जाएगा 1, और अभी मेरे ख्याल से 7:30 बजे थे, तो -2 था टेम्परेचर। तो मॉर्निंग के टाइम काफ़ी ठंड होती है, फिर बढ़ते बढ़ते देखिए अच्छा 9-10 हो जाएगा। बट कल इतना ज़्यादा विंडी था ना कि शाम के टाइम भी बहुत ठंड थी। और यहाँ पर हम निकल रहे हैं वही सरप्राइज़ के लिए आपको दिखाना था। तो यहाँ पर हमने ना ये कार लेने की सोची है, अभी हमने ली नहीं है, बट हम सोच रहे हैं कि ले लेंगे। ये सेकेंड हैंड एक्चुअली बहुत पुरानी कार है और बहुत रीजनेबल प्राइस में हमें मिल रही है। और हमें अभी ना कुछ स्टार्टिंग में तो प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहाँ के रूल्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो बस हमने सोचा कि अभी ले लेते हैं ये गाड़ी। लिखाएंगे मैप से, यहाँ से अंतनोविच के लिए निकलेंगे। और मैं कौन पकड़ेगा, वहाँ से गिर जाएगा। मैं मुझे दे दीजिए, मैं पकड़ लेती हूँ। आप तो इतना ऑस्ट्रिया और बुद्धापेस्ट सब जगह चला चुके। अच्छा पहले आज फर्स्ट टाइम आप चला रहे हैं अकेले, है ना? आप हमको अपना सारथी मान चलोगे? नहीं 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 नहीं, आसान है यार। शुरू आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? मुझे पता है आसान है चलाना, लेकिन पहली बार चला देंगे तो आपका वादा टूट जाएगा। कौन सा वादा टूट जाएगा? आपका दोस्त क्या बोला है, गाड़ी ठुकनी नहीं चाहिए। नहीं नहीं चला सकते, नहीं 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 कोई अच्छा नहीं। हमने क्या की डायलॉग बाजी मत करो। बेबी हाउ आर यू फीलिंग नाउ? गुड। आर यू नर्वस? नहीं नहीं, पापा का नर्वस होते, भी डांट उठना दे आज हमको लगता है। कैमरा में हमको डांटा गया, उसे प्यार पे बात करते हैं हमको। अच्छा ठीक है ठीक है। दही मछली सिद्ध गणेश की शुरुआत की जाती है ना, तो दही मछली सिद्ध गणेश बोला जाता है हमारे यहाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, अभी आपने वीडियो देखा ही होगा। तो जस्ट हम अभी लौट के आए हैं, और आने के बाद मैं अभिदा को कह रही हूँ पीच खा लो। पीच मुझे पता नहीं क्यों बहुत पसंद है, ये फ्रूट मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही प्यारा होता है। देखिए देखने में एप्पल टाइप का होता है, बट अंदर से येलो होता है बिल्कुल, और काफ़ी सॉफ्ट होता है और टेस्टी भी बहुत होता है। तो मैं अभी तक को कह रही थी पीच खा लो। और हम ये जो गाड़ी जो मैंने अभी आपको दिखाई ना, ये सेकेंड हैंड गाड़ी है, और जस्ट हम अपना हाथ साफ़ करने के लिए, लाइक कि यहाँ पर जो ड्राइविंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है इंडिया से। इंडिया में लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग है, नो इंडिया में राइट हैंड साइड ड्राइविंग है, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग है। तो थोड़ा सा सारी चीज़ें डिफरेंट हैं, हमें रोड में किस डायरेक्शन में चलना है, रोड के साइंस क्या हैं, एवरीथिंग इज़ टोटली डिफरेंट। तो हाँ बस ये है कि हम अभी इस गाड़ी को चलाएंगे, कुछ दिन देखेंगे। और ये अभी हमने बाय भी नहीं किया, लाइक कि जो ओनर है उससे हमने कहा है कि हमें 1 वीक के लिए दो, हम चला के देखते हैं। हम इसे मैकेनिक को भी दिखा लें, क्योंकि पुरानी सेकेंड हैंड गाड़ी है तो पुरानी ही है, बहुत सस्ते में मिल रही है हमें।
तो हमने सोचा ले लेते हैं, क्योंकि हमें सच ये नहीं है कि हमें गाड़ी से कोई बहुत दूर जाना है या फिर गाड़ी हम ऐसी खरीद रहे हैं कि सपनों की गाड़ी, इस टाइप से ऐसा भी कुछ नहीं है। अभी हमें सिर्फ काम चलाने के लिए गाड़ी चाहिए और हम थोड़ा सीख जाए यहाँ पर, लाइक हमें ड्राइविंग का पूरा वो हैबिट हो जाए, क्योंकि मैं भी इंडिया में बहुत गाड़ी चलाती थी। अगर आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देखें ना, बिल्कुल स्टार्टिंग के जो वीडियोज़ हैं, तो उसमें आप देख लोगे कि मैं इंडिया में गाड़ी चलाया करती थी। मेरी अच्छी गाड़ी थी, टाटा मांजा थी हमारे पास, तो उसको मैं आराम से चलाती थी, मुझे कोई इशू नहीं था, मैं बहुत अच्छे से गाड़ी चला लेती हूँ। बट यहाँ पर यही है कि हम मुझे रोड साइंस देखने पड़ेंगे, किस तरीके से गाड़ी चलानी है, किस लेन में चलानी है, कब टर्न लेना है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग है, वहाँ राइट हैंड साइड थी, तो मतलब चीज़ें भी बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो थोड़ा सीखना पड़ेगा। आज मैंने भी थोड़ी सी गाड़ी चलाई, रोड में नहीं चलाई, पार्किंग में जब अभिषेक ने पार्क कर दी थी ना, तो उन्होंने कहा कि तुम एक पार्किंग से दूसरी पार्किंग लेके जाओ, क्योंकि इसकी गियर भी अलग है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ेंगी, बहुत माइन्यूट है। मुझे लगता है कि मैं कुछ दिन तक अभिषेक के बगल में बैठ के ऑब्जर्व करूंगी और आफ्टर दैट फिर मैं चलाने लगूंगी, क्योंकि मैंने आज गाड़ी स्टीयरिंग मतलब पकड़ी और मैं चला के एक पार्किंग से दूसरी पार्किंग तक लेके गई, तो मुझे कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं लगा। बस प्रॉब्लम यही है कि यहाँ के रूल्स जो होते हैं ना, रोड साइंस होते हैं, कि रोड में क्या साइन है, कौन से डायरेक्शन में जाना है, रेड लाइट सिग्नल्स एंड एवरीथिंग, वो हमें पता होने चाहिए। तो वो रूल बस अच्छे से सीखने पड़ेंगे और इसके बाद हम आराम से चला सकते हैं गाड़ी। तो बस वही है, यही अपडेट देनी थी आप सबको। तो देखते हैं, अगर ये गाड़ी अच्छी लगी हमें तो शायद से ये गाड़ी हम ले लेंगे, और ये इतना काम तो हमारे आ जाएगी कि जैसे हम कभी ग्रोसरी लेने जाते हैं या फिर कहीं पर जाते हैं जहाँ पर कार कनेक्टिविटी नहीं है, लाइक बस या ट्रैम नहीं जा रही है, तो उसके लिए अच्छा है। और अभी तो अभी कई बार स्विमिंग जाता है, बहुत थक जाता है वॉक करते हुए ट्रैम तक, स्टेशन तक जाना, फिर वॉक करते हुए ट्रैम स्टेशन तक आना, क्योंकि ट्रैम बिल्कुल आपके एक पॉइंट से तो नहीं निकल रही होती ना, आपको थोड़ी दूर तो वॉक करना ही पड़ता है उसके लिए, एक पर्टिकुलर स्टेशन तक जाने के लिए, तो वो थक जाया करता था। तो बेसिकली इन सब छोटे मोटे कामों के लिए वो यूज़ में आ जाएगी। और बहुत मज़ा आया यहाँ पर, आज हम गाड़ी में गए, अभिषेक तो चिढ़ रहे थे, कह रहे थे कि तुम क्या वीडियो बना रही हो, मतलब वो गाड़ी ऑलरेडी चला चुके हैं यहाँ से। जब हम बुदापेस्ट गए थे और हम ऑस्ट्रिया गए थे ना, तब आपने देखा ही होगा वीडियोस में, वो गाड़ी चला के यहाँ से गए थे, और उनको भी मतलब 10 11 15 साल का एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने में। बट हाँ, जब हम, क्योंकि मैं और वो थे पिछली बार, वो और उनके फ्रेंड थे, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा था। और अभी क्या ना, हमने किसी और की गाड़ी ली हुई है और जस्ट कि हम देख रहे हैं, उसको ट्राई में ले रहे हैं, तो थोड़ा डर लगता है कि कुछ हो ना गाड़ी को। फिर हम लोग बड़े आराम से चले गए। तो बस यही था अपडेट हमें आपको देना था। अभ्युदय खाने लग गया है पीच। अभ्युदय, हाउ इज़ इट? इट्स गुड। तो ये बहुत ही टेस्टी सा लगता है, पता है मैंने इंडिया में कभी नहीं खाया था, मे बी इंडिया में भी मिलता होगा, बट यहाँ पर तो मैंने खाया और मुझे बहुत टेस्टी लगता है ये वाला फ्रूट, स्पेशली मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए फिर मिलती हूँ अभी। तो यहाँ पर ना हमारा लंच शुरू हो चुका है, सांभर राइस है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और अभी तभी सांभर राइस खा रहा है, मैं भी सांभर राइस खा रही हूँ। और अभी ना टीवी में पता नहीं क्या लगा के रखा है, आई गेस उसे पसंद है फुटबॉल का कोई गेम लगा के रखा है, तो वो देख रहा है। तो चलिए मैं इसे खा लेती हूँ, और ये वीडियो भी काफ़ी लंबा चला जा रहा है, तो अब इस वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। और फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।